हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ड्रीमर एंड वेलकम बैक टू पैल वर्ल्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी अपने बेस में लगा हुआ हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जो रश रोर है वो स्टोन पिट में लग नहीं पा रहा था। आज हम लोग जो हैं थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं जाते हैं इधर उधर। जैसे कि मैं अभी पैलडियम फ्रैगमेंट्स फार्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैल बॉल्स ख़त्म हो गए है ना। ये फ्लैश की आत्मा मैंने अपने अंदर लाई है। वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड है, फ्लैश की आत्मा अपने अंदर। जैसे कि आपने देखा अभी घुसते समय, जो रश रोर है वो लग गया है काम पे। मेरी माइंड चल रही है, मेरा लॉगिंग कैंप चल रहा है। अब मुझे लकड़ी के लिए और स्टोन के लिए फार्मिंग नहीं करनी। ये क्रशर मैंने बनाया है। क्रशर में आप डायरेक्टली पैलडियम फ्रैगमेंट स्टोन से बना सकते हैं, या आप यहाँ तक कि फाइबर भी वुड से बना सकते हैं। लेकिन क्रशर में क्या है, आपको एक वाटर टाइप पैल चाहिए होता है जो कि आकर के उस पर पानी फेंके। मेरे ख्याल से आगे ये लोग मैकेनिक में ये डालेंगे कि क्रशर को आप पानी के किनारे लगा सकते हो ताकि जो रनिंग स्ट्रीम्स होते हैं वो क्रशर को चलाते रहें। लेकिन अभी के लिए आपको एक ऐसा पैल चाहिए जिसके पास वाटरिंग स्किल हो। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कौन से पैल का कौन सा स्किल है और अब किस स्किल की मुझे अभी ज़रूरत है अपने बेस में। एक लिफ्ट मंक मैंने पकड़ा था, वो मेरे पार्टी में रखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ डिस्काउंट पिकाचू को डाल दूँ फिर से, लेकिन वही है कि इसके पास अभी जो इलेक्ट्रिक वाला स्किल है वो मुझे चाहिए नहीं। गुमॉस मेरा एक पहले से काम कर रहा है। विक्सी को मैं रांच के बाद डालूँगा जब मैं रांच बना लूँगा, क्योंकि विक्सी उसी के लिए अच्छी है। बेस अपग्रेड करेंगे, एक स्लॉट और खुल जाएगा पैल डालने के लिए। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पैल हम लोग को डालना है, पर पहले थोड़ा सा खाना पकाया जाए। किचन खोलने के बाद जो कि हमारा जो फॉक्स फायर है, जो फायर टाइप पहले, मैं बार बार नाम भूल जा रहा हूँ, वॉट एवर, नया गेम है, वो खाना पकाएगा। जब खाना पक जाएगा मैं खाना इनके डब्बे में डाल दूँगा। यहाँ पर अभी पैलडियम पैल बॉल्स बनेंगी। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरा जो वाटर टाइप पैल है वो अभी वहाँ पर लगा हुआ है फार्म को, मेरे खेती बाड़ी जो पानी वानी डाल रहा है। अभी वो यहाँ पर आएगा, यहाँ से पैलडियम फ्रैगमेंट्स वो बनाएगा। स्टोन मेरे पास अब ढेर सारा है, क्योंकि जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं रश रोर जो है वो माइन में लगा हुआ है, स्टोन क्रिएट कर रहा है। माइन जो है मेरी अनलिमिटेड है, आप उससे एक बार में 9999 स्टोन निकाल सकते हो। मतलब उसकी लिमिट है, उसके बाद फिर वो स्टोर करना माइन बंद कर सकती है। जब आप माइन से निकाल करके वापस किसी स्टोरेज बॉक्स में डालोगे तब आप उसको कहीं से भी अपने बेस में एक्सेस कर सकोगे। अभी फ़िलहाल हम लोग को पैल स्पेस की ज़रूरत है, तो मैं पैल स्पेस बना रहा हूँ। अब हम लोग निकलेंगे। मेरा एम इस बार ये है, ज़रा थोड़ा सा नए पैल्स, थोड़ा सा 10 जो 10 के पहले पैल्स पकड़ते हैं हम लोग, उनको ज़रा कंप्लीट किया जाए। और थोड़ा सा फ्लैश की, थोड़ा सा ऑलिवर क्वीन डी एरो की आत्मा सिखाएंगे, थोड़ा सा निकलेंगे एडवेंचर पे। एरोस मैं भी वेस्ट नहीं करूँगा, मैं भी कुल्हाड़ी से ही कुल्हाड़ी कह रहा हूँ पिकैक्स से ही इनके सर में छेद करूँगा। जब तक छेद करूँगा जब तक ये कगार पे ना पहुँच जाए मरने की से तो पकड़ लूँगा। काइंड ऑफ लाइक ब्रेन वॉशिंग, बट सेम थिंग एज पोकेमॉन। यू हिट समवन देन यू कैच देम। और ये फेंका मैंने बॉल, नहीं आया, बॉल किनारे हो गया। और चलते चलते कट जाए रास्ते। चलिए देखें, थोड़ा सा पैलडियम फ्रैगमेंट ही माइन कर लें। आपको दिख रहा होगा कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा माइनिंग और जो भी ग्राइंडिंग है और जो बेकार की रोमिंग अराउंड है वो भी मैंने फास्ट करी हुई है वीडियो में। मैंने क्या करी हुई है, मेरे एडिटर ने करी हुई है, जो कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है। लेकिन वो भी आप उसको उससे भी आपको मिलाएंगे। आप उसकी आवाज़ आपने सुनी है, रोमियो की बात कर रहा हूँ मैं। तो द क्रेडिट गोज टू हिम फॉर एडिटिंग ऑल दीज वीडियोस। फिलहाल चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। मेरे दोनों माइंस खाली हैं अभी, क्योंकि सब खाना खा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। वुड के लिए मुझे एक पैल लगाना है, और उस पैल को लगाने के लिए पहले उसका बिस्तरा बनाना है। बिस्तरा मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, इस बिस्तरे को मेरे पैल्स बनाएंगे। जब तक मेरे पैल्स इस बिस्तरे को बनाएंगे, मैं ये सोचूंगा कि कौन सा पैल मैं लगाऊँ, क्योंकि अभी माइन पे मेरा रश रोर काम कर रहा है, लेकिन मेरे पास वुड चॉपिंग वाला, लंबरिंग वाला कोई पैल अभी नहीं है। शायद लिफ्टमंक के पास शायद, चेक करूँगा अभी लौट के। फिलहाल मेरी पैल बॉल्स रेडी हो गई हैं, तो मैं इस पेंगुइन को पकड़ूँगा।
और ये निकल आया है, और लाइफ कम नहीं कर सकते तो पकड़ने की कोशिश करेंगे। 54% में पकड़ लेना चाहिए, कहीं नहीं पकड़ रहा है। क्या हो गया तुमको? मेरा घर नहीं पसंद, मेरा पैल बॉल नहीं पसंद, या मैं नहीं पसंद? अच्छा पकड़ लिया, ठीक है। दूसरा पेंगलेट है ये, दो पेंगलेट हो गए अब मेरे पास। सब यही को डाल दूँ? अगर मैं एक और पेंगलेट डालता हूँ तो मैं उसको क्रशर पर लगा सकता हूँ, या अगर मैं लिफमंक डालता हूँ तो उसको मैं लंबरिंग के लिए लगा सकता हूँ। सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। चलो इसको थोड़ा सा हील होने दें, क्योंकि ये मेजर इंजरी दिखा रहा है, धीरे धीरे पैल बॉक्स में बैठा बैठा हील हो जाएगा। बेरीज निकाल के यहाँ से और बेरीज लगा दें पकने के लिए, और बाकी बेरीज हम डाल देंगे, अपने पास ही रखेंगे। डिब्बे चेक कर लें क्या कहाँ जाएगा, अपनी इन्वेंट्री का वेट कम रखें, ताकि अगर कोई चीज़ हम लोग जाएँ एक्सप्लोर करने अभी तो कम ना पड़े, बार बार भागना ना पड़े। मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अपने स्किल पॉइंट्स को कभी भी अटैक में, डिफेंस में या क्राफ्टिंग स्किल में मत वेस्ट करिए। ज़्यादा बढ़ता नहीं है, कोई काम आता नहीं है। सारे पॉइंट्स अपने डिस्ट्रीब्यूट करिए हेल्थ में, वेट में और स्टैमिना में, क्योंकि आपको वही काम आएगा। बाकी चीज़ों के लिए आपके पास पैल्स हैं। हाँ एक चीज़ और थी, यही है, हमारे बागड़ बिल्ले जैसे कि पत्थर तोड़ रहे थे, वो यहाँ भी पत्थर तोड़ेंगे। ये पास में एक ठो बॉक्स में रख दूंगा, ताकि मैं आराम से उठा करके कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं इसमें ओवर इनकम्बर्ड हो जाते हैं, तो फिर बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए मैंने बॉक्स बगल में रखा है। क्योंकि एक एक बार मैं दो दो तीन तीन सौ वुड और स्टोन जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ से वहाँ वहाँ, तो फिर दूर वाले बॉक्सेस में चल गए, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और आप लोग भी बोर होंगे ज़बरदस्ती। थैंक यू वेरी मच। हम लोग का एक पहला माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है, 50 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे हो चुके हैं, 50 प्लस चल रहे हैं। और हम लोग का साथ देने के लिए, हम लोग का कंटेंट लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा और कंटेंट भी हम लोग डालते रहेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए ओवर एनकम्बर्ड होने से यही होता है, उस बॉक्स से इस बॉक्स में सामान ला रहा हूँ, कितना धीमे धीमे जा रहा हूँ। सबसे भारी ये ओर रहेगा भैया, और बहुत भारी रहता है। अभी विक्सी मेरी विक्सी है कि किसी और की विक्सी है पता नहीं। चलो रैंच बनाएंगे, रैंच में बना के रैंच में विक्सी को डाल देंगे। पैल बॉल्स, एरोज, पैसा भी विक्सी खोद खोद के निकाल देता है, इसको कहाँ से मिलता है लेकिन मिल जाता है। दो पैल बॉल्स और बनाएंगे, कुछ एरोज और बनाएंगे। पर एरो 3 बनती है, 19 का मतलब 57 एरोज हम लोग को मिल जाएंगे, काफ़ी मिल जाएंगी। फिर थोड़ा ऑलिवर क्वीन की आत्मा में अपने अंदर लाऊंगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ी सी ग्राइंडिंग और, थोड़े से डिफॉरेस्टेशन और, जितनी जल्दी पेड़ इस गेम में उगते हैं इतने असल ज़िंदगी में उगते तो क्या बात होती। टी फैंट, चलो छोड़ो, यहाँ चलते हैं वापस बेस चलते हैं, रात हो रही है, ठंड लगेगी। नाइट विंग को बेस के अंदर तो अटैक करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, 1.79% पर फेंकने का भी कोई पॉइंट नहीं बनता। मेरा रश रोड बहुत मेहनती है, मेरा बागड़ बिल्ला बहुत मेहनती है, काम कर रहा है, दोनों लोग काम कर रहे हैं। हाँ फाइबर भी एक ऐसा चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसको आपको थोड़ा ग्राइंड करना पड़ता है। ये जब आप जाके वुड काटते कुल्हाड़ी से तभी आपको मिलता है, या फिर आप ग्राइंडर में डायरेक्टली वुड से फाइबर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वाटर टाइप पैल चाहिए जैसा बता चुका। पता नहीं वाई मैं रैम्बलिंग, आई एम रैम्बलिंग इन दिस वन। क्या है क्या नहीं है, मेरी इन्वेंट्री में खाना बहुत रखा है जो बार बार सॉर्ट करना पड़ रहा है ना, सड़ जाएगा। हॉट स्प्रिंग और प्रिमिटिव फर्नेस बनानी है अगले अपग्रेड के लिए मुझे। चलो चलें, एक पंगले कॉल डालते हैं ताकि ये जा करके पानी भर सके। अबे दूसरा पेंगलेट कहाँ गया? अच्छा एक क्राफ्ट कर रहा है, एक वाटरिंग कर रहा है। हाँ चलो खाली हो गए तो क्राफ्ट कर रहा है। एरोज रेडी हो रही हैं, इसके बाद हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा और पैल्स पकड़ने। अभी फ़िलहाल बेरीज और बेरीज बची नहीं। अच्छा आ गई और बेरीज आ गई, नहीं आई नहीं आई। मशरूम बनाओ, चलो यहाँ पे 53 बेरीज हैं अभी, इनफ है इतने पैल्स के लिए, इनफ है। 39 मेरे अपने पास हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी टीम बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे हम लोग बेस में और पैल्स डालते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग को और खाने के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, खास करके बेरीज, क्योंकि बेरी सबसे आसानी से आपको मिल जाती हैं और बेरी सबसे आसानी से आप पका सकते हो।
प्लस जब किंडलिंग स्किल है, हाई किंडलिंग स्किल वाला कोई पैल हम लोग को मिल जाएगा तो पकाने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बना पाएंगे। खाना जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा सेटेशन वाला होगा, सेशेशन वाला होगा, आई थिंक दैट्स द वर्ड, आई डोंट नो, है ना, उतना ही आपके पैल्स का जो सैनिटी लेवल है वो बढ़ेगा। जितना बड़ा सैनिटी लेवल होगा उतना ज़्यादा वो अच्छे से काम करेंगे। 12 एरोज बना पाए तुम? चलो हाँ, रात में सो भी गए थे। ये सर पे बैलेंस कर रहा है लकड़ी। चलो हाँ ठीक है, चलो ठीक है। मशरूम्स बन गए, बेरीज और आ गई, बेरीज बनाओ। मैं जा रहा इसमें देखने क्या है और बेरीज है, मतलब कि मैंने बनाने रखने से ठीक पहले ये लोग ला के, ठीक बाद इन लोग ने ला के डाला है। चलो ठीक है, एग्स हाँ मेरे पास ढेर सारे हो गए हैं, 5-6 तो एग्स हैं। आगे भी काम आएगी। देखिए जैसे कि रश रोड ने यहाँ पर 10 अभी और स्टोन ले आया, 163 स्टोन, ये बिना फार्म किए हो गए। अब मुझे ज़्यादा ग्राइंडिंग नहीं करनी स्टोन और वुड के लिए। जहाँ तक ओर की बात है, ओर के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप एक डेडिकेटेड क्वारी या कुछ ऐसा बना सके ओर के लिए, या माइन बना सके। मेरे ख्याल से आगे गेम में आएगा, डालना चाहिए डेप्थ को, क्योंकि अगर ये लोग मेटल कंस्ट्रक्शन और सब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए ओर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और ओर हम लोग को चाहिए रहेगा। चलो 24 एरोज आ गई हैं, चलो बाकी भी आ गई थोड़ा सा। हाँ बीच में कट था, कट किया है क्योंकि एरोज बनानी पड़ी मुझे, क्योंकि अभी इतने पैल्स हैं नहीं रैंच में। हम लोग के जो बेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम लोग और उसमें पैल्स डाल रहे हैं, और हम लोग और पैल्स उसमें और डालेंगे भी। हर पैल के लिए बेड चाहिए जैसे कि आप जानते हैं। आई नो आई एम रैमलिंग अगेन, क्या करें। थोड़ा थोड़ा पीछे आ, थोड़ा और पीछे आ, और पीछे आ, लगा दो बात बढ़िया ग्रिड में, एक ग्रिड में, अच्छी सी ग्रिड में। कितना कोशिश करी है डेव ने कि ये गेम ऑर्गेनिक लगे, लेकिन एकदम हम लोग को ग्रिड ही चाहिए। ग्रिड पैटर्न से अच्छा कुछ नहीं होता, ऑर्गेनाइज करने में आसानी रहती है, चीज़ें ढूंढने में, पहुंचने में चीज़ों तक आसानी रहती है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ लगाना है, बना मेरे पैल्स देंगे। 3 और लग गए, अब हम लोग के पास 6, 7, 9, 10, 10 बेड्स हो गए। एक बार आप एक बेस में अगर आप नॉर्मल सेटिंग्स में खेल लें तो 15 बेड्स आप बना सकते हैं, क्योंकि बेड्स और बना सकते हैं, लेकिन 15 ही पैल्स आप अपने बेस में असाइन कर सकते हो। तो उसके हिसाब से 15 बेड्स आप बना लो, 15 बेड्स इनफ रहते हैं। अब मेरे पास वुड ख़त्म हो गया और बेड नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ और बेड नहीं बनेगा, वुड नहीं है, क्या कर रहा है। हाँ चलो चलें यहाँ से, ढूंढें अगले साथी हमारे। हाँ कूदो कूदो और कूदो, चिड़िया को कहे देख रहे हैं। एक नाइटविंग पकड़ेंगे, पकड़ेंगे या मारेंगे जो करना करेंगे। अभी फिलहाल लेवल 8 है, वो सब लेवल 10 की चीज़ें हैं। अपने हथियार सब रिपेयर कर लें, लेट्स गो। क्या हो गया भाई, खो गए क्या, चक्कर कर आ गया। हाँ चलते हैं। हेलो, अबे चल, मतलब माइंड यहाँ पे ब्लैंक हो गया था। खैर ट्रैवल करते हो साइड, देखते हैं वहाँ पे क्या है, क्या पैल्स मिलेंगे। यहाँ से हम लोग ढूंढ सकते हैं पैल्स को, पकड़ना है, क्योंकि जैसे कि आपको ऊपर दिखा रहा है 30 पैल्स पकड़ने हैं, उसके अलावा 5 लैम्बॉल्स पकड़ने हैं। ये ट्यूटोरियल अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है। मारे कैसे, तो मारे मारे नहीं, छोड़ तो रहने दो, इंसान है, अच्छा इंसान है, हेल्प कर रहा है, हम लोग को एडवाइस दे रहा है, तो उसको मारने का कोई पॉइंट नहीं बनता। चलो ढूंढते हैं लैम्बॉल्स को, वो रही लैम्बॉल एक तो ठीक है। थोड़ा ऑलिवर क्वीन को अपने अंदर चैनल करो, दी एरो चला, ये एक और दो और बस ये अंदर, और दूसरा ढूंढे। 100% पे पड़ा है तो उधर देखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कभी फ्लैश, खूब सारी पावर, खूब सारे लोग। थोड़े टाइम बाद जब हम लोग और हैवी लेवल के पैल्स पकड़ ले, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, वॉज दैट अ डायनासोर।
ये डायनासोर दिखा, शायद मुझे रिकॉर्डिंग टाइम नहीं दिखा। अरे यार मर गया, हेडशॉट पड़ गया, हेडशॉट। पैर पे मारो, पैर पे। चलो छोड़ो, 68%। अरे मार पैर पे उसके, मार। चलो ठीक है, बम पे भी ठीक है। और बागल बिल्ले पकड़ेंगे, पहले 5 लैम्बॉल्स कंप्लीट हो जाए। या लैम्बॉल और है? हाँ है, और लैम्बॉल है। ओ हेडशॉट, और एक और हेडशॉट। चलो बच गया, बच गया, बच गया, पकड़ लिया। एक और उसी पीछे, सही से आराम से पास हो। अरे बाल बाल बचा, बाल बाल बचा, इतू सर रह गया था, इतू सर। 4 हो गए, एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिल रहा है। अभी 6 और लैम्बोस मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। एक तो यहाँ पे पैर स्पेयर पड़ा, इसको उठा ले। अगला शिकार कौन बनेगा मेरा, एक्थेडियर या लैम्बॉल? लैम्बॉल, बम पे मारो। ना ना ऐसे ना बोलो, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। बस बस, अरे हट गया। तुम्हें पता है कितने महंगे हैं पैल्सफियर इस समय? खत्म हो गया मेरे पास पैल्सफियर। एक और पैल्सफियर कहीं पड़ा मिल जाए यार, पड़ा मिल जा। क्या है, पड़ा मिल गया, पड़ा मिल गया, पड़ा मिल गया। Ask and you shall receive. अब पकड़ लेना 100%। हाँ फेंक दो, बस बढ़िया तरीके से आ गया। लेवल अप, लेवल 9, वेरी नाइस। तो नाइस, स्टेमिना बढ़ाएंगे थोड़ी सी। देखें टेक्नोलॉजी क्या खुली है। हाँ हॉट स्प्रिंग आ गया, अब सैनिटी इसमें बढ़ेगी। हॉट स्प्रिंग बनाते हैं, इस हॉट स्प्रिंग में हमारे पैल्स जाएंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, गर्म पानी में मज़ा करेंगे, इससे उनकी सैनिटी बढ़ती है। हाँ बड़ा कॉमेडी है देखना उनको ऐसे बैठे। ये हमारे फॉरेस्ट बॉस हैं, मेमोरेस्ट, मैमथ और फॉरेस्ट का मिक्सचर। लेवल 38 है, उससे हम लोग को दूर रहना है। उसको छू भी दिया ना तो वो डकार देगा, हम लोग को मर जाएंगे। हम लोग लेवल 9 है, क्योंकि 30 लेवल ऊपर है। चलो वापस बेस चलते हैं डायरेक्ट। क्या हो रहा है बेस में? हाँ मैंने कहा था मेरा जो कैरेक्टर मैंने बनाया ये बहुत भुड़क्कड़ आदमी टाइप का है, बार बार भूल जाएगा कहाँ पे क्या रखा है। फिर वो हर डिब्बा खोल खोल कर देखेगा कहाँ पे क्या रखा है, उनको वहीं रखेगा। और ये लोग लगे हुए हैं, क्या बात है। एक डब्बे में सब कुछ डालना है, ये डब्बे सब कुछ निकालना है। सारे ज़्यादातर मेरे रिसोर्स मुझे इस बॉक्स से ही मिलेंगे, जिस बॉक्स यहाँ पे जो रखा हुआ है। अभी मेरे पास लॉगिंग करने के लिए मैंने कोई पैल नहीं लगाया है। लॉगिंग करने के लिए मुझे एक पैल लगाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि वुड मेरे पास कम पड़ रहा है, वुड कम पड़ रहा है। और बेरीज बनाओ, 49 बेरीज हमारी हार्वेस्ट हो चुकी है हमारे फार्म से, वो और बनेंगी। और फार्म पे देखो वाटरिंग हो रही है, दोनों लैम्बॉल्स एक साथ कर रहे हैं, दोनों पेंगलेट एक साथ कर रहे हैं, है ना। अगले बेस अपग्रेड में मैं सोच रहा हूँ लिफ्ट मंक को डाल दूँ, क्योंकि लिफ्ट मंक जो है वो लंबरिंग करता है, वो लकड़ी काट लेगा हम लोग के लिए। चलो देखें और किसको पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करें या वापस। अरे अपनी दीवार खुद ही फांद रहे हैं। अटैक ऑन टाइटन का फैन है क्या बे? फर्नेस बनानी है, और जरा वहाँ चले। थोड़ा सा लेवल अप करना है। जल्दी हम लोग फ्लैश की आत्मा से। ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ क्या है? कुछ तो होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता कितना बड़ा कंकाल रखा हुआ है समुंदर के बीच में, उसमें कुछ होना। चढ़ो अबे चढ़। अरे भूख लग गई, भूख लग गई, भूख लग गई, कुछ खा लो, कुछ खा लो, भूख लग गई, कुछ खा लो। अरे खोपड़ा, ये ले दूसरा, ये ले तीसरा। ए बचे नहीं, बचे लग गई। खैर जो शील्ड है, शील्ड की वजह से मेरी लाइफ नहीं गई, और शील्ड अब धीरे 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 रिजनरेट कर जाएगी। और इसको मैं मार रहा हूँ, मार रहा हूँ, मार रहा हूँ। अबे मर जाएगा ऐसे, मर जाएगा, मर गया क्या, मर गया क्या, मर गया दत्त तेरे की।
ये तो मर गया। थोड़ा सा खाना खाएंगे, थोड़ा सा घूमी जाएंगे। देखे जरा, अबे कुछ नहीं, पूरा कंकाल पे कुछ है ही नहीं। चढ़ेंगे हम ऊपर, चढ़ेंगे हम ऊपर फिर से। देखे जरा इस कंकाल पे कुछ भी। अच्छा एक संदूक रखा है एंड में जाकर के, बता हद है। इधर से चढ़ जाता मैं, पता रहता तो। उधर चलें कि किधर चलें, किधर चला जाए, इधर चला जाए। ओ एक और लिफ्ट में कैसे जी, वहां जाके उसको लेंगे। अगर पानी में आपकी स्टैमिना खत्म हो जाती है तो फिर आपकी लाइफ जाने लगेगी। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट एग्जैक्टली हाउ मच स्टैमिना यू हैव एंड एग्जैक्टली हाउ मच वाटर यू कैन कवर विदाउट लूजिंग योर HP। टीफेंट थोड़ा पकड़ना चाहिए इसको। देखते हैं, आ जा तेरी ये ठीक तो होता है। ये ले कर बस। अरे मर गया, एक आपको मार दो, मार दो, ए मार दो। अच्छा गेम ही ओवर। अच्छा गाइस सॉरी, एक थोड़ी छोटी सी ओवरसाइड हो गई, मैं भूल गया था। हॉट स्प्रिंग के लिए पैल फ्लूइड्स चाहिए, तो मैं पैल फ्लूइड्स जमा कर रहा हूँ। हाँ अभी पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसी में। रिकॉर्डिंग के टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था कि जल्दी से हॉट स्प्रिंग्स बनाए, क्योंकि पैल्स की अगर सैनिटी कम होने लगी तो वो काम करना बंद कर देंगे, है ना। तो अभी मैं इसीलिए पैल फ्लूइड जमा कर रहा हूँ। पैल फ्लूइड वाटर टाइप पैल्स को मारने से ही मिलते हैं, पकड़ने से भी मिलते हैं, ये शायद मुझे अभी नहीं पता है इस टाइम में वीडियो में, है ना। तो इसीलिए मैं मार रहा हूँ अभी। शायद मैं एक ठो पकड़ूंगा तो उसमें मुझे पैल फ्लूइड मिल जाएगा, तो फिर मैं मारना बंद कर दूंगा शायद, शायद नहीं, मुझे क्या पता। ये देखो डिस्काउंट पिकाचू जा रहे दो, और एक कार, और पकड़ लिया। हाँ हेल्थी को पकड़ने पे मुझे पैल फ्लूइड्स मिलते हैं, देखते हैं। हाँ देखिए पकड़ने पे भी पैल फ्लूइड मिलना है, मुझे पता चल गया कि पकड़ने पे भी पैल फ्लूइड मिलेंगे, तो मुझे अब एक्सपीरियंस को मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे पकड़ सकता हूँ। आजा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। खोपड़ मारा, ये तेरे खोपड़ मारा, ये तेरे खोपड़ मारा, ये तेरे खोपड़ मारा। एक और बस बस। अच्छा एक और बॉडी, बॉडी शॉट, बॉडी शॉट बस। रिकॉर्ड करेंगे हम इसको, कैप्चर करेंगे फिर। एक और के खोपड़ा, खोपड़ा एक, द खोपड़ा दो, और खोपड़ा तीन, और कैप्चर। क्या बात है, एक के बार में दो। ये मुर्गियां पकड़ ले क्या, मुर्गी जाए से। दो आ गए, 85 85 बोनस। अभी हाई लेवल पे जब हम लोग पहुंचेंगे और जब तब हम लोग 10 पैल्स कैप्चर करने के लिए निकलेंगे, तब देखिएगा कितना कितना लेवल मिलता है हर पैल से। एक पैल्स फिर मिल गया, मतलब कि एक और कैप्चर हम लोग कर सकते हैं। टी फैंट कैप्चर करते हैं, एक है लेवल 3 का, लेकिन उससे हम लोग को मतलब नहीं है। 89% हो जाना चाहिए। हो गया, डर गया, डर गया। अब हम लोग के पास पैर बॉल्स नहीं पकड़ने की, तो हम लोग अब इसको रोल कर देंगे, क्योंकि फ्लूइड्स तो चाहिए हम लोग को, बनाना तो है। एरोज भी खत्म हो रही हैं, 11 एरोज बची हैं, पर फिर भी खोपड़ा ही खोपड़ा, खोपड़ा ही खोपड़ा ना। पैर बॉल्स नहीं मेरी जान, पैर बॉल्स नहीं है। एक और, एनीवन लेफ्ट? आई डोंट थिंक एनीवन इज लेफ्ट। अबे रात हो रही है यार, बहुत ज़्यादा रात हो रही है। रात में खतरनाक पैल्स निकल के आते हैं, या कहते हैं लोग ऐसा। आप रात वाले पैल्स भी स्पेशल होते हैं, उनको भी आप पकड़ सकते हो, डार्क टाइप्स होते हैं जो। उनका क्या स्पेशलिटी है कि अगर उनके पास कोई स्किल है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने बेस में, तो वो अराउंड द क्लॉक काम करेंगे, वो सोते नहीं है। इंसॉम्नियाक्स होते हैं, तो क्या कहते हैं, वो रात में भी काम करते रहते हैं, वो दिन में भी काम करते रहते हैं। तो आपको मतलब बेड फिर भी बनाना है, ऐसा नहीं कि बिना बेड के आप काम करोगे, बेड आपको फिर भी बनाना है उनके लिए। यूज़ नहीं करेंगे बेड कभी, लेकिन बेड चाहिए, वरना वो अपसेट हो जाएंगे। ठीक है, मुंह पे मारेगा मैं, ये ले, ये इन द फेस, इन योर फेस, पक पक।
कितनी एरोस खाएगा बे? चलो पैल फ्लूइड और मिले। अब बस मुझे एक तो वो स्टैचू फास्ट ट्रेवल वाली चाहिए जिससे मैं निकल। ये डे ड्रीम है, ये भी निकल के आता है रात में। पैसिव है, अगर आप उसको मतलब परेशान नहीं करोगे वो आपको परेशान नहीं करेगा। इन कुछ पैल्स हैं हाई लेवल एरियाज में जो रात में निकलते हैं, जो आपको ज़बरदस्ती परेशान करेंगे। ये उल्लू टाइप का एक और पैल है पीछे। चलो जरा थोड़ा फ्लैश को चैनल करो और निकलो। 200 मीटर दूर है। चलो चढ़ो। अब देखिए मेरी लाइफ धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि ठंडा बढ़ गया है। मैंने कपड़े पहने नहीं है, चड्डी में घूम रहा हूँ। टू बी क्लियर, गेम में चड्डी में हूँ, है ना? चलो एक नया बढ़िया सा मिल गया मुझे यहाँ पे स्टैचू। इसको मैं एक्टिवेट करूँगा, उसके बाद मैं निकल लूँगा अपने बेस वापस। आधे से ज़्यादा रात गुजर चुकी है, अब मैं बेस जा रहा हूँ। कहाँगे बेस में रहिए रहा। एंड आई एम बैक। सब सो रहे हैं? जग रहे हैं। 49 बेरीज और बन गई हैं। देखते हैं और कितनी बेरीज बन सकती है। 41 बेरीज और बन जाएंगी, फिर सॉर्ट करेंगे वरना सब सड़ने लगता है। सॉर्ट करने के बाद हम लोग इसको डालेंगे वापस, सारे पैल्स को हम लोग रख देंगे वापस डब्बे में। अरे बाप रे, मेरा बो टूटने वाला था। अच्छा हुआ मैं बेस वापस आ गया टाइम से। कपड़ा बनाना है मुझे, कपड़ा कपड़ा बना लो, कपड़ा कपड़ा। पैस फिर इतना था नहीं, वुड खत्म हो गई। ले ओ मैं यार। आ भैया आ भैया, तुम क्या डाले? नहीं, पंगेलेट बेस्ट है क्योंकि वाटर के अलावा और भी चीज़ें वो देख लेता है। हाँ, इसके पास है लंबर वाला स्किल, जो लकड़ी वाले, तीन लकड़ी बनी हुई है वो है हमारे लिफ मंक के पास, जो हरे रंग का है। हाँ ये इसको यहाँ डाल लेते हैं। अब सोने चले, सो जाएं फिर उठ जाएं। हमारे पैर सबसे पहले उठ के झुके और चल दिए काम करने। रश और तो तुरंत लग गया, बना बन 40 स्टोन और निकाल चुका है ये। वुड पे अभी कोई नहीं है, यहाँ जाकर देखे थोड़ा सा, अगर कोई मिल जाए वुड पे काम करने के लिए तो उसको वहाँ पे लगा दे। लिफ्ट मंकी है भी मेरे पास, जो एक्सीडियर है, जो मैंने आपको बताया था शुरू के लिए बहुत ओपी पहले और बाद में भी काम आता है, और ग्राउंड में बहुत तेज़ मतलब दौड़ता है अगर आप उसका सैडल उसको यूज़ करते तो। वो भी एक बहुत अच्छा लंबर जैक भी है, लकड़ी बहुत बढ़िया काटता है अपने एंडर से। मेरे को वुड चाहिए और आई एम ऑल्सो क्लोज टू लेवल 10। क्या करें क्या करें, चलो ये बेस में जो पेड़ है उनको काट लेते हैं। थोड़ी सी ग्राइंडिंग और। मैं क्रेटोस नहीं हूँ कि मैंने कुल्हाड़ी घुमाई और पेड़ गायब हो गया, कटता वो। थोड़ा सा एडिटिंग के मैजिक से, थोड़ा सा एडिटिंग के मैजिक से, क्या कहा था मैंने? हाँ, थोड़ा सा एडिटिंग के मैजिक से मैंने थोड़ा सा उसके अंदर डाला हुआ है, क्रेटोस को चैनल किया है ताकि एक कुल्हाड़ी के वार से पूरा पेड़ कट जाए। अगर आपने गॉड ऑफ वॉर देखा है या गॉड ऑफ वॉर खेला तो आपको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नया वाला गॉड ऑफ वॉर, पुराना वाला नहीं, पुराने वाले में उसके पास कुल्हाड़ी नहीं है। खैर, अरे इधर आ बे, जाके पैल्सफेयर बनाओ मेरे लिए, जाओ पैल्सफेयर बनाओ। हाँ कहाँ हो? ये रहा लिफ्ट मंक, चलो काटने लगा। लंबरिंग पे लग गए लिफ्ट मंक। अब जाए थोड़ा सा पैल्डियम फ्रैगमेंट्स फार्म कर लें, थोड़ा सा चीज़ें रिपेयर कर लें। क्या कर रहा है भैया? कुल्हाड़ी, अबे पिकैक्स निकालो। हाँ बना बन बना बन, ए बना बन बना बन बना बन बना बन, अच्छे से और बड़े प्यारे तरीके से। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर इन पैल वर्ल्ड। आते रहिएगा, देखते रहिएगा, और भी कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब,
हम लोग का एम है अगला 100 लाइक्स तक पहुंचने का, 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचने का। लाइक्स तो आते ही रहेंगे। 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। इन गेम्स को मैं लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ खेलूंगा।